second question we have done. Third question also we have done. Now we have to discuss the fourth question. Which of the following can be the sides of a right triangle? Which of the following can be the sides of a right triangle? Now we know in a right angle triangle में क्या सेटिस्फाई होता है? पाइथागोरस थ्योरम शुड बी सेटिस्फाई. मतलब यहाँ पर तीन साइड्स गिवन है. हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो गिवन साइड्स हैं वो एक राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं कि नहीं? वो कैसे पता चलेगा? तीन साइड्स हैं, हम तीनों का क्या करेंगे? स्क्वायर. तीनों साइड्स का क्या करेंगे? स्क्वायर. फिर तीनों तीन आंसर्स आ जाएंगे. अगर एक नंबर दूसरे दो नंबर्स के सम के बराबर है, देन द गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज नॉट. जैसे क्वेश्चन नंबर फोर जो है हमारा फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हमारे पास है टू सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. सो व्हाट वी विल डू, हम लिखें ऐसे 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर. नाउ 4 प्लस 4 8, विच इज नॉट इक्वल टू, आप लिखोगे सिंस द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज नॉट इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ, सिंस द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज नॉट इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड. Since the sum of square of two sides is not equal to the square of third sides, therefore, given sides are not the sides of right angled triangle. चुप करके लिखो. सम्राट आपकी सीट कहाँ थी? समर अनमोल के साथ. मैं वही बोल रही हूँ ना समर, अनमोल के साथ तो मैंने किसी की सीट फिक्स नहीं की. वहां अनमोल के रोल नंबर 5 के साथ किसी का रोल नंबर लिखा है? आपका रोल नंबर क्या है समर? कुछ ही बोल. 43 लिखा है. ये देखो इसमें 43 लिखा है कहीं. Are you have noted? Yes. इधर उधर देखने लग गए या नोट नहीं किया? फोर्टी थ्री लिखा है कहीं. Now we will do. ठीक है अभी बैठ जाए यहाँ, मैं कल सुबह बात करूंगी. फर्स्ट पॉइंट पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज 2.5 6.5 एंड 6. 2.5 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. देखिए अब 2.5 का स्क्वायर बोर्ड पे देखिए बेटा. 2.5 square means 25 into 25 is 625. 2.5 into 2.5 means
36. अब देखो 36 + 6 42.25 आ जाएगा. इधर देखो, नाउ वी कैन सी तीसरी साइड के बराबर आ गया. आप लिखोगे सिंस द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, देयरफॉर गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. कौन सा थर्ड? बेटा हर पार्ट अलग है. फर्स्ट पार्ट अलग है, सेकंड पार्ट अलग है, थर्ड पार्ट अलग है. जैसे फर्स्ट पार्ट ये है, इसमें हमने देखा कि दो साइड्स का जो स्क्वायर है उन दोनों का सम थर्ड साइड के इक्वल है. कोई भी दो साइड हो सकती है. तो अगर दो दो का सम तीसरे के बराबर है स्क्वायर का, ध्यान से सुन लो लक्ष्य, जो गिवन साइड है सबसे पहले समर उसका क्या करना है? स्क्वायर. मूर्खों की क्लास है ये. सबसे पहले उन नंबर्स का क्या करना है? स्क्वायर करने के बाद आपने देखना है कि क्या दो आंसर्स का सम प्लस करके तीसरे के बराबर है. अगर है तो वो जो गिवन साइड्स हैं ये, दीज आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. जैसे सेकंड पार्ट में 4 + 4 = 8 जो था वो 25 के बराबर नहीं था, नहीं ना था? जब दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर नहीं है, इसका मतलब जो गिवन साइड्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है. इज इट क्लियर? यस मैम. नाउ थर्ड पार्ट यू विल डू योरसेल्फ एट होम, दैट इज योर होमवर्क. व्हाट इट? ये भी करने हैं या एक थर्ड पार्टी कर लेना, कोई बात नहीं, सारा बार बार नहीं करना. ये आपने कॉपी में किया हुआ है ना, ये कॉपी संभाल के रखनी है. लिख लिया है? आगे देखिए, कौन से टेस्ट कल सुबह ही मिलेंगे. अब तो क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. संचित आपके सीधे दिखते के साथ है, वहां कैसे बैठ गए? फिर वहां से यहाँ, यहाँ से वहां कैसे चले गए? नहीं मेरे साथ क्या चोट लगी हुई थी तो उससे नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उसका काम कर रहा है. अच्छा ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्री इज ब्रोकन, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 meters फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 meters फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री. लुक हियर एवरीवन ऑन द बोर्ड, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. See, a tree is, there is a tree. Look here. Arjun, मुझे ये बताओ तुम लीडर हो क्या? हर वक्त तुम कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, क्या बात है मुझे बताओ. एक बहुत बड़ा ट्री है, ठीक है, there is a tree. A tree is broken at a height of 5 meters from the ground. ये ground है. Ground से 5 meters की दूरी से, जैसे बहुत बड़ा tree है.
हवा आई, आंधी आई, तो बिल्कुल जमीन यहाँ से तो नहीं टूट रही है, जमीन से उखड़ के तो नहीं गिर सकता। कई बार आपने देखा है ट्री टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, जब भी ट्री गिरते हैं तो हमेशा जैसे ये है, ये 5 मीटर ग्राउंड से 5 मीटर की दूरी से ट्री गिरा, यहाँ से टूटा, और ट्री हमेशा इस तरह से गिरे, बात समझ में आ रही है। एंड its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. ये है इसका टॉप, ये पूरा ट्री, ये पूरे इसके लीव्स हैं, यहां से ये टूटा और यहां आके गिर गया। At a distance of 12 meters from the ground, जो ग्राउंड है, जो ट्री का टॉप है, वो ग्राउंड से कितनी दूरी पे गिरा? 12 meters. And its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. ध्यान से सुनो, ये ट्री का बेस है, ये पूरा ट्री है, ये 5 और ये कितनी है हाइट h। हमें नहीं पता टोटल ट्री कितना है, टोटल ट्री की हाइट कितनी है ये नहीं हमें पता, हमें गिवन क्या है कि एक ट्री है, क्या बात है, नहीं समझना बाहर चले जाओ, क्वेश्चन समझ लो, कॉपी होता जाएगा बाद में। एक ट्री है 5 मीटर की हाइट से, वो टूट गया, टूट के गिर गया, और गिरा कितनी दूरी पे, जो उसका बेस है, ये 12 नहीं लेना, जो ट्री का बेस है उससे 12 मीटर की दूरी पे गिरा। हमने फाइंड करना है ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। नाउ कैन यू से कि ये जो h, ये जो ट्री का टुकड़ा था वो ही नीचे गिरा, तो ये भी h, ये वही h है। yes. बात समझ में आई कि नहीं? yes, एक ट्री है ये बड़ा, ये 5 है, बात समझ में आ रही है, ये 5 है, ये h है, ये गिर गया ऐसे, हमने ये निकालना है, ये जो गिरा हुआ स्लांटिंग लाइन, ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। yes. हमने बतानी है ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल हाइट कितनी होगी, ये 5, ये 5 और ये जो गिरा है टोटल हाइट ये है, हमने ये जो गिरा हुआ पोर्शन है वो नीचे आ गया, ये निकाल लिया, व्हाट इज द ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल हाइट इज 5 प्लस दिस व्हाट वी हैव फाउंड, इज द क्वेश्चन क्लियर? मींस ये जो h है, यही टुकड़ा यहाँ पर आके गिरा है, ये वही h है, समझ आ गई? अब आप नेम दोगे ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 5 क्वाइटली राइट डाउन। इन राइट ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square AC square is equal to AB square, AB कितना है 5 square, फिर इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर टोटल हाइट, ओरिजिनल हाइट या टोटल हाइट, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज 5 प्लस, यहां ना आप एच लिख सकते हो, हमने ये जो स्मॉल एच लिया है ना, एच स्क्वायर
5 + 13, that is 18. So the original height, total height of the tree कितनी है? ये 5, ये आया 13, और ये वही है जो ऊपर था पहले. So 13 + 5, that is 18 meter is the total height. Homework है ये question. Note down quickly. I hope everyone has noted. Figure banali. Manjot, Manik. You both are friends, na? That's why Manjot is always interested in sitting with you. Next question, number 7. Find the perimeter of the rectangle. Again, ye sare question bade important hai aur easy bhi hai. Find the perimeter of the rectangle whose length is 40 and diagonal is 41. ये बेटा देखो इधर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ. यस और नो? एंड व्हाट इज दिस ए सी? ए सी इज द, हंसते रहो युवराज, हंसते रहो, दिमाग खाली है, कुछ उसमें नहीं जाएगा. लाफ लाइक अ मैड पर्सन. Length is 40 centimeter. उसकी बात नहीं करनी है, एक ही diagonal की बात करेंगे, ठीक है? Rectangle का perimeter क्या होता है युवराज? Formula. युवराज, perimeter of rectangle का formula. हाँ? दोबारा बोलो. 2 multiply length plus breadth. Length हमें given है? क्या हमें breadth given है? हम क्या करेंगे? हमें पेरीमीटर निकालने के लिए हमारी हमें क्या चाहिए? ये ब्रेथ. ये नहीं गिवन. गिवन क्या है? ये डायगोनल. और आपको पता है सेंटीमीटर. और आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें सारे एंगल्स क्या होते हैं? तो इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम ये निकाल सकते हैं. हमारे पास क्या आ जाएगी? ब्रेड. जब लेंथ आ गई, ब्रेड आ गई, तो हम निकाल सकते हैं. समझ आ गया क्वेश्चन? राइट डाउन. ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. एंगल बी इज 90 डिग्री. डायगोनल
डायगोनल एसी इज 41 सेंटीमीटर लेंथ ए बी इज 40 सेंटीमीटर अब लिखो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वहां जहां पिछले क्वेश्चन में आपने ये लिखा है ना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर साथ में ब्रैकेट में लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम जिसने नहीं लिखा था वो लिखो ये इसके नंबर कट जाएंगे नहीं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट इज हाइपोटेन्यूज व्हाट इज परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर -1600 इधर आके माइनस होगा यस आई एम गोइंग टू रब द फिगर सबने बना ली साइलेंस सबने फिगर बना ली कोई बच्चा जो अभी भी फिगर बना रहा है अर्जुन मैंने ना आपकी सीट यहाँ फिक्स कर देनी है कर दूं फर्स्ट बेंच पे नहीं बेटा करनी पड़ेगी आपका ना खुद पे कंट्रोल नहीं है वैसे आप अच्छे हो बट यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन योर टंग एंड योर बिहेवियर एंड नाउ इफ आई सी अगेन एंड अगेन यू टॉकिंग देन आई विल फिक्स योर सीट एंड वो अच्छा ही होगा आपके लिए 81 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर 9 स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर ये कट गया सो बी सी आ गया 9 सेंटीमीटर अब लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ इज 40 ब्रेथ इज 2 इंटू 49 98 सेंटीमीटर अरे आप हाँ बोलना नहीं है सृष्टि आपने मुझे बना के दिया ना एक सृष्टि है ना उसके अलावा किस किस को दिए थे मैंने वो बनाने के लिए खड़े हो जाओ जो मैथ्स क्लब की एक्टिविटी थी मिस्ची पूरी आप आपको दिए थे बनाने को कितने बनाया नहीं आपको कितने दिए थे 1 2 दिए थे बनाए नहीं कल दे दोगे बनाए नहीं क्यों कल दे दे परसों दे दे मम्मी को बताया था क्या कहते इजी है ठीक है आपका टॉपिक क्या है जैसे दूसरे सेक्शन वालों ने बनाया इफ यू वांट टू टेक एनी आइडिया यू कैन टेक फ्रॉम देयर अदरवाइज इट इज इजी क्रिएट योर ओन आइडियाज सो मेनी स्टूडेंट्स हैव गिवन ठीक है 2 2 4 5 6 दो और थे सुहाना यस सुहाना यस मैम हाँ बेटा बन गए वो नो मैम अभी बना रहे हैं अभी बने नहीं है बना दो फिर मेरे को भेज दो कल परसों तक ओके लास्ट क्वेश्चन एट क्या कॉपी ले लेते हैं बेटा द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस एवरीवन हैज नोटेड नाउ बेटा एवरीवन मेक अ रोम्बस
साइलेंस मेक अ रोम्बस हेयर इज अ रोम्बस एंड द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 16 एंड 30 एवरीवन पे अटेंशन बोर्ड पे देखो ये एक डायगोनल है ये दूसरा डायगोनल है बीडी ये पूरा है 16 वी नो द डायगोनल सुनो ध्यान से द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री जो डायगोनल्स है ना अगर ये पूरा 16 है तो ये 8 होगा ये 8 अगर ये पूरा 30 है तो ये 15 होगा ये 15 और सेंटर में क्या बनेगा सेंटर में आप पॉइंट दे दोगे ओ थोड़ी बड़ी फिगर बनाना अब हमें निकालना है पेरीमीटर अर्जुन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हु इज अर्जुन व्हाई 4 साइड्स इक्वल होती हैं जैसे स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं तो पेरीमीटर होता है 4 × साइड ऐसे ही रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं पेरीमीटर होता है 4 × साइड अब हमें साइड गिवन है साइड हमें डायगोनल्स गिवन थे वो भी पूरे पूरे हमने आधे आधे कर लिए नाउ ऑन दिस ट्राइंगल वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड वी विल फाइंड दिस साइड फिर पेरीमीटर क्या होगा 4 × साइड हर क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लग रही है बात समझ में आ गई अब इसके लिए आप सबसे पहले लिखो ए बी सी डी क्या राइट एंगल ए बी सी डी इज अ रोम्बस वी नो ये लिखना जरूरी है जो मैं लिख रही हूं वी नो Diagonals of rhombus bisect each other. We know diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. Therefore, AO is equal to OC is equal to 8 centimeter. OB is equal to OD. ये बात समझ में आई? Yes. OA और OC दोनों 8-8, OB और OD दोनों 15-15. अब in इधर लिखो and angle AOD is और जो सेंटर में एंगल बनता है एंगल AOD that is 90 degree. अब लिखो in right angle triangle AOD जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो बोलने के बगैर एडी कितना आ गया बेल हो जाएगी हिलना मत नोट किए बगैर एडी इज 17 सेंटीमीटर फिर आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4 × साइड 4 × साइड कितनी है 68 Is the question clear? Yes. Both the question, all the question which we have done our homework, except that two parts. उसका third part homework है. Yes.
अर्जुन, बंद करके बंद करके। सिक्स भी होमवर्क है। आकृति जनीशा सुहाना,